हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू नो, वी स्टार्टेड लर्निंग द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड वी हैड लर्नड द फर्स्ट 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउ सम मोर रूल्स आर स्टिल लेफ्ट विद अस, सो वी वुड लाइक टू लर्न एंड कंप्लीट दिस द टॉपिक टूडे इन दिस लेक्चर, because here are 3 to 4 or maybe 4 to 5 last important rules also which must be learnt by us so that we can't make any sort of mistake in writing any statement. So dear students, get yourself fully ready to attend this lecture video, and I think you will also note this all the rules down in your pair notebook. Okay, these the things are really so much important to all of you. So let me write here the rules and the name of the topic. Topic is here, bete. What is the name of the topic? Let me know about it from your side. Topic is here, subject verb agreement. Okay. So this is the topic had been started by us yesterday, and now we would like to give it the final touch today. So bete, the rule number 8th, R-U-L-E, rule number 8. What is the rule number 8? I tell you here. Bete, if any two singular nouns are connected, C-O-N-N-E-C-T-E-D, connected with the conjunction at, and they are preceded, P-R-E-C-E-D-D, the word which is placed before a noun, before a word, is known as the word preceding word, preceded by each or every, the subject works in singular form, and the verb or helping verb is also used accordingly. Bete, I would like to explain this the rule for you in Hindi. Dekho, maine kya bataya hai? कोई दो सिंगुलर नाउन्स होती हैं, आई राइट एन एग्जांपल, ओके, दो कोई सिंगुलर नाउन ले लो, राम और मोहन ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी दो सिंगुलर नाउन ले ली, बुक ले लिया, पेन ले लिया, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है बेटा, मैंने कहा कि दोनों सिंगुलर नाउन्स को हम कंजक्शन एंड से जोड़ेंगे, ठीक है, और कंजक्शन एंड से जोड़ने के बाद में हमें देखना क्या है कि दोनों सिंगुलर नाउन्स के साथ में ईच एंड एवरी का प्रयोग होना चाहिए, ईच और एवरी, यहां पर और की जगह मैं एंड लगा देता हूं, ईच एंड एवरी दोनों के साथ में, तो कैसे, जैसे देखो, ईच बॉय एंड every girl
ईच बॉय एंड एवरी गर्ल. सो हेयर एज यू कैन सी बेटे इन दिस एग्जाम्पल दिस नाउन इज इन सिंगुलर एंड दिस नाउन इज ऑल्सो इज इन सिंगुलर. ओके एंड यू कैन सी हेयर द डिटर्मिनर एवरी हेयर विच हैज बीन पुट हेयर बाई एस बिफोर दिस नाउन गर्ल. सो जब भी कभी किसी नाउन किसी शब्द से पहले कोई शब्द डाला जाता है तो उसको बोला जाता है प्रीसीडिंग वर्ड, और इसके बाद लिखा जाएगा बेटा उसको बोला जाता है फॉलोइंग वर्ड. ओके इसके आगे आने वाला शब्द, इससे पहले आने वाला शब्द. और ये वर्ड भी देखो ईच हमने यहाँ पर इस नाउन से पहले लगा रखा है, एज यू कैन सी हियर. ओके सो नाउ वी हैव टू यूज हियर द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. नाउ इन दिस केस द सब्जेक्ट वर्ब एज सिंगुलर सब्जेक्ट. तो यहाँ पर ईच बॉय एंड एवरी गर्ल ओके लर्न्स इंग्लिश ओके इंटरेस्टिंगली लर्न्स इंग्लिश बाय हार्ट दिल से. ओके सो हेयर एज यू कैन सी हेयर यू कैन ऑल्सो मेक ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हेयर. ओके ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट. ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज ऑनेस्ट. इज ऑनेस्ट ईच टीचर एंड एवरी स्टूडेंट एट आर पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इज ऑनेस्ट. सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सेंस ऑफ दिस रूल नंबर 8. ओके बेटे सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल हियर RULE रूल नंबर 9. सो दिस इज रूल नंबर 9. व्हाट डज इट से बेटे? इफ एनी टू singular nouns connected with and represent the idea of a single one thing or person or okay animal the subject in such cases works as singular. So now I write here, for example, bread and butter. Bete, this the noun is singular, this the noun is also singular, and both the nouns are connected with this conjunction. Okay, bread and butter is a complete food. Bread and butter is a favorite food of Indians. Rice and curry. Rice and curry is a sweet dish. Delicious dish. Horse and carriage is a means of transportation. Ghoda gadi. So beta, these the words are here very important words. जब भी कभी कोई दो सिंगुलर नाउन्स किसी कंजक्शन एंड से जुड़ जाती हैं
और दोनों सिंगुलर नाउन्स किसी एक ही पर्टिकुलर भोजन या व्यक्ति या किसी स्थान या किसी अन्य गाड़ी इत्यादि का जिक्र करती हैं, तो वहां उस केस में उस सब्जेक्ट को कैसा माना जाता है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10 बेटे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इफ एनी नाउन, ओके, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, PLURAL, इज सेपरेटेड, इज सेपरेटेड विद द पंक्चुएशन मार्क कॉमा, ओके, एंड आफ्टर द सेम सब्जेक्ट, after the subject some more words are written, the noun, the noun before comma should be considered as the main subject in the statement. I will tell you here how it all happens. I, okay, a member of, I a member of two medical groups. So now here I would like to put here the helping verb am. Very beautiful person. बेटे आप देखना इसको, आपके शायद रूल समझ में नहीं आया। देखो जब भी कभी हम किसी वाक्य को शुरू करते हैं ना, तो कोई सब्जेक्ट तो में लगाना होता है ना, जो वो सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, माय फादर, माय अंकल, टीचर, कुछ भी है बेटे, उस सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ कॉमा लगा करके उस सब्जेक्ट को वो कर दिया, सेपरेट कर दिया। मैंने यही लिखा है कि यदि कोई नाउन चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, किसी कॉमा से सेपरेट की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। सो बेटे इन दिस केस व्हाट डू सी, You also find here some more words written just after this noun I. This pronoun I which works here as the subject. तो I उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, a member of two medical groups. तो यहाँ पर हमने लास्ट में ग्रुप्स भी लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने को ग्रुप्स को देख करके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं? जैसे स्पीच लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आई टूडे, आई XYZ कोई भी नाम लिख दिया, फ्रॉम 12, फ्रॉम 11, फिर वहां लिख देता इज प्रेजेंट देयर, विच इज नॉट करेक्ट। आई सब्जेक्ट को आप एड्रेस कर रहे हो तो यू विल हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब एम, बिकॉज हेयर इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस टू थिंग्स, सब्जेक्ट आई एंड हेल्पिंग वर्ब एम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस द प्रोनाउन, दिस द सब्जेक्ट हेयर। हमारा मुख्य
जो कुछ कहना है जिसको हम डिस्क्राइब करें बेटा क्या है वो ये सब्जेक्ट आई इसको हम डिस्क्राइब कर रहे थे यहाँ पर, इसके हिसाब से क्या लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। तो यहाँ कोई भी आपको इस तरह से कोई केस मिलता है तो आप अपने इफ यू फाइंड एनी सच केस इन एनी एग्जामिनेशन एंड इफ यू वांट टू राइट एनी स्टेटमेंट इन दिस मैनर अंडर दिस फॉर्मेशन सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट यू शुड यूज द हेल्पिंग वर्ब और वर्ब एज पर द नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट बेटे। इस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि आपने सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई तो इन दैट केस योर आंसर यू विल बी करेक्ट इनकरेक्ट सॉरी एंड योर सेंटेंस विल बी कंसिडर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड यू विल नॉट बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। दैट्स वाई आई सजेस्ट यू टू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सो आई थिंक हेयर इज ओनली सिंगल वन मोर रूल इज स्टिल लेफ्ट विद अस एंड आई वुड लाइक टू राइट दिस द रूल हेयर। ओके सो काइंडली बी रेडी बेटा, लेट्स स्टार्ट लर्निंग द नेक्स्ट रूल एंड इट इज द 11th रूल। रूल नंबर 11 बेटा, व्हाट डज दिस रूल से टू अस टीच अस? सो दिस रूल सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट शुड वी डू इफ सॉरी आई राइट द सब्जेक्ट्स द वर्ड्स लाइक ईच ऑफ एवरी थिंग ऑफ वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ द अमाउंट ऑफ के द वर्ड्स लाइक आर ऑलवेज रिगार्डेड एज द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ओके सो वी शुड यूज द हेल्पिंग वर्ब एज पर द सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हियर फॉर एन एग्जांपल the number of students in private schools is increasing day by day। so beta here we are speaking about the word the number means संख्या। जब बात हम the number की करते हैं तो हम वह संख्या को address कर रहे होते हैं बेटा, संख्या को। जो संख्या को address कर रहे होते तो यहाँ पर हम students को highlight नहीं करेंगे, students को हम address नहीं कर रहे हैं, हम केवल संख्या की बात की जा रही थी। इसलिए in this statement your verb or helping verb will be according to this singular subject, singular subject माना जाता है, इन सभी को singular subject माना जाता है। And the last rule here, rule number 12, what is the rule number 12 बेटे? ओके द वर्ड्स रिटन एज वन फोर्थ ऑफ टू थर्ड ऑफ हाफ ऑफ much part of के are always considered as the singular nouns। okay so finally take an example, half of the total population
But here we find here the like population in India is illiterate. Bete, I would like to tell you one thing. Suppose you find here the word half of. So half of the students, if you find here the uncountable noun, 1/4, 2/3, half of, much part of, if you find the noun written here as an uncountable noun, then in that case these the words will work as the singular nouns. And if you find here the noun plural in countable form, countable noun, if you find any here countable nouns, so in that case we can also look at the nature of the word and we can also use it as a plural subject also. So it all depends on the nature of the words. Bete here, nature of the words. क्या बताया मैंने, यदि इन सभी शब्दों के बाद में आपको uncountable noun मिलती है, uncountable noun, तो आपको जैसे कि पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो उस स्थिति में तो इन सभी शब्दों को आप यदि देखते हो तो उसके बाद तो फिर वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग करना पड़ेगा. और इस दिन के बाद में जैसे मान लो कभी कोई काउंटेबल नाउन आ जाती है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, तो वहाँ पर फिर उस केस को हम प्लूरल नाउन के रूप में भी देख सकते हैं. जैसे हम यूँ कहें कि भाई हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से आधे विद्यार्थी, तो हम बात कर रहे हैं संख्या की, आधे विद्यार्थियों की संख्या, तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी, आधे विद्यार्थियों की संख्या, जो भी संख्या काउंटेबल होगी ना वो, तो हम उसको हम उस हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी काउंट करके उसके साथ में हेल्पिंग और प्लूरल सब्जेक्ट वाले भी लगा सकते हैं. ओके, सो बेटे हेयर वी कंप्लीट दिस द चैप्टर, दिस द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, एंड नाउ वी वुड लाइक टू लर्न सम अदर टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर एंड कीप योरसेल्फ फुली कनेक्टेड टू योर स्टडीज. थैंक यू.